अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, मैं अरशद हुसैन, डेली अमेजिंग वीडियोस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। मैं आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो इन्फिनिक्स नोट 7 नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में है। इस मोबाइल को मैंने ऑलरेडी डिसअसेंबल किया हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो इसमें आपको साथ नज़र आ रहा है, इस किट में एंटीना नहीं है, नेटवर्क एंटीना इसमें नहीं है। अब दूसरे किसी ख़राब पीसीबी बोर्ड से, किसी ख़राब मोबाइल से हम एंटीना निकाल के इसमें लगाएंगे। अब इस डेड बोर्ड से हम ये एंटीना रिमूव करेंगे एसएमडी के थ्रू, हार्ट को 40 पे रख के और आयर को 30 पे रख के। ज़्यादा हीट ना दे क्योंकि ये एंटीना आपका ख़राब हो सकता है, आपको फिर से किसी डेड बोर्ड से फिर ये एंटीना रिमूव करना पड़ेगा। और प्यारे दोस्तों, मुझे एक और बात याद आई है, इस वीडियो को एडिटिंग करते वक्त मैंने शुरू में जो मोबाइल जिस तरह आप लोग जिस इस्तेमाल करते हो वो वाली पार्ट मैंने काट ली थी, क्योंकि वो मेरी ऑलरेडी इसी तरह का एक मोबाइल इन्फिनिक्स नोट 7 चार्जिंग प्रॉब्लम सोल्यूशन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मैंने अपलोड भी की है। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो या ये आप सीखना चाहते हो कि इस मोबाइल को किस तरह डिसअसेंबल करते हैं, तो वो वाली वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगर आप देखना चाहते हो तो आप फिर वो वीडियो देख सकते हो और उससे आप इस मोबाइल को किस तरह डिसअसेंबल करते हैं वो आप सीख सकते हो। इस वजह से मैंने ये शुरू में जितनी भी मैंने तकरीबन 5-6 मिनट की वीडियो बनी हुई थी मैंने वो काट ली, सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों का टाइम बच सके और मेन हमारा जो मकसद है, जो हमारी प्रॉब्लम है वो आप लोगों में दिखा सकूं। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इस मोबाइल में कोई और प्रॉब्लम नहीं हो सकती। एंटीना तो इंस्टॉल हो गया भाई, इसकी एक प्रिंट मिसिंग है, वो जंपर वायर के थ्रू पे हम लगाएंगे। आप लोग इसको देख सकते हो, मेन ऊपर वाला एक प्रिंट इसका जो है ना मिसिंग है, वो जंपर वायर के थ्रू पे हम लगाएंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि हमारी सिग्नल का प्रॉब्लम, नो नेटवर्क इमरजेंसी का सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, सिग्नल भी इंशाल्लाह स्ट्रांग होंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। और एक और गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हो तो आप लोगों को आसानी मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस चैनल पे हर किस्म मुख्तलिफ कंटेंट पे काम करूं, किसी एक टॉपिक पे वीडियो ना बनाऊं। और इससे अच्छा है कि मैं एक चैनल के बजाय मज़ीद और चैनल बनाऊं और उस पर काम करूं, फिर उसमें ये प्रॉब्लम होगी कि मैं अपने क्वालिटी पे फोकस नहीं दे सकूंगा। तो इस वजह से मैं यही कोशिश करूंगा कि इसी एक चैनल पे मैं मुख्तलिफ कंटेंट पे काम करूं। इस किट में जो पॉइंट मिसिंग है उसको स्क्रैच किया मैंने और इससे जंपर वायर के थ्रू पर मैं कनेक्ट करूंगा। जंपर वायर एक साइड से, ये तो इंशाल्लाह लग गया। अब इसका दूसरा पॉइंट जो है मैं एंटीना से कनेक्ट करूंगा। उम्मीद है कि सिग्नल प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। और पिछली वीडियो में मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से शेयर की थी और शायद बहुत से लोगों ने वो नोट किया हो, यहाँ पे फिर मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे आप लोगों को एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने नोट किया हो, मैं ख़ुद भी अक्सर यूट्यूब जब मैं कोई वीडियो देखता हूँ जो हर वीडियो का जोन सा भी थंबनेल
लोग देते हैं, यूट्यूब चैनल वाले यूट्यूबर जितने भी थंबनेल देते हैं, तो थंबनेल पे जो मैसेज होता है, जो टाइटल होता है, जो कंटेंट वो बताते हैं, जैसे मैं वीडियो को क्लिक करता हूँ, वीडियो देखता हूँ, तो अक्सर ज़्यादातर ये होता है कि फिर वो आपको वो उसी टॉपिक रिलेटेड आपको वीडियो में कोई भी मटेरियल आपको नहीं मिलता। मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों का ट्रस्ट मैं ना ख़राब करूं। जो आप लोगों का इस चैनल पे एतबार हो, ट्रस्ट हो, कि जो सी मैं वीडियो देता हूँ, जो मैं थंबनेल देता हूँ, जो कंटेंट देता हूँ, जो टॉपिक होता है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये पांच चीज़ें हर एक वीडियो में होंगी, हर एक वीडियो में टॉपिक, टाइटल, थंबनेल और जो उसका कंटेंट होगा और जिस बारे में वीडियो बनाऊँ, ये सारी पांच चीज़ें आपको हर एक वीडियो में मिले। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी लोग मेरी वीडियो के किसी भी थंबनेल को देखेंगे और मेरे चैनल को पहचानने वाले, ये आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकेंगे कि हाँ वाकई इस पे जितने भी वीडियोस के थंबनेल देता है तो वीडियो भी उसी रिलेटेड बनाता है। इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होगी और उम्मीद है मोबाइल सिग्नल प्रॉब्लम्स सॉल्व, बिल्कुल जी सिग्नल कंप्लीट आ गई और ये 4G का भी निशान आ गया, मैसेज भी आ गया। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।